गाइस कैसे हैं दोस्तों। अगर आपके पास ये डिवाइस है और गेम प्ले में करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सिर्फ यही डिवाइस है आपके पास, जो भी डिवाइस है आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो स्पेशल गेमर के लिए है। जी हाँ, अगर आप गेम प्ले करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके फोन में ये एप्लीकेशन तो जरूर आपको जो है देखने को मिलेगी। सो इसी एप्लीकेशन को मैं आपको समझाने वाला हूँ, कंपनी जो दिया है आपके डिवाइस में ये एप्लीकेशन। सो ये जो है गेम प्ले करने में इसका क्या रोल है, आइए इस चीज को अच्छे से समझिए। अगर आप गेम प्ले करते हैं और गेम आपका यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मूविंग का सारा प्रॉब्लम का समस्या आप जो है ले सकते हैं, वीडियो क्लास तक जरूर वॉच कीजिएगा। सो आपको क्या करना है, अपने फोन पे जो है इस तरह करके आपको सर्च कर लेना है गेम एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको जरूर जो है देखने को मिलेगा, ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। सो क्या करना है, इसी एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि इस एप्लीकेशन को आप ओपन कर लोगे, इस तरह से आपको यहाँ पे शो अप हो जाएगा। जितने सारे गेम आप यूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, जो भी गेम आप प्ले कर रहे हैं, यानी फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, जो भी गेम आप प्ले करते हैं वो गेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे देखने को ना मिली तो इसके लिए क्या उपाय है, आपको क्या करना है, थ्री डॉट आपको देखने को मिलेगा, बस इसे थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे एड गेम्स का ऑप्शन आ रहा है, बस इसी पे क्लिक कर लेना है। अब जो भी गेम है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे वो गेम वहां यहाँ से आप एड कर पाओगे। ओके, ये हो गया गेम एड करने का तरीका, यहाँ पे गेम एड जरूर करना है आपको। अब क्या करना है, थ्री डॉट पे फिर से आपको क्लिक करना है, इस तरह से आना है नीचे की ओर। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन, देख सकते हैं, बस इसी सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे सेटिंग है जो आपको मालूम नहीं है। ये सारा चीज मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ कि ये जो सेटिंग है किस लिए दिया गया है, इसका गेमिंग के लिए क्या रूल है। सो आइए यहाँ पे एक एक करके पूरा अच्छे से समझिए। आपको फर्स्ट में आपको देखने को मिला गेमिंग टूल्स, सो क्या करना है, इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर लेना है। ओके, ये जो जो यहाँ पे सेटिंग करने वाला है वो आपको जरूर कर लेना है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही चीज मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से गाइस ये गेमिंग टूल का ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। एंड यहाँ पे दूसरा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नीचे की ओर, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो प्ले वीडियो। ओके, ऑटो प्ले वीडियो का ऑप्शन इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर आप इस फोन को वाईफाई कनेक्ट करके गेम प्ले करते हैं तो हो सकता है उसमें आपको ज्यादातर वीडियो जो है देखने को मिल रहा है गेम प्ले के बीच में। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे यहाँ पे नेबर पे आपको क्लिक कर लेना होगा। अगर यहाँ पे अगर आपको गेम प्ले में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो नेबर पे आना है, इस पे आपको क्लिक जरूर कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, अगर आप वाईफाई से इस फोन को जो है कनेक्ट कर रहे हैं, गेम प्ले कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो देखने को मिला ओवर वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क अपडेट के लिए, यहाँ पे डू नॉट ऑटो अपडेट पे आपको क्लिक कर लेना है, यानी ऑटोमेटिक अपने से अपडेट नहीं लेगा। ओके, आपको अपडेट करना है बीच बीच में तभी ये लेगा। सो ये आपको सेटिंग जरूर करना है। अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करके रखते हैं तो बीच बीच में जब भी ये इसमें कुछ भी फीचर आएगा गेम प्ले करने के वक्त आपको प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगा। सो आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है। अब गाइस जो जो यहाँ पे सेटिंग बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, यानी गेम प्ले करने के वक्त आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आंसर कॉल ऑन स्पीकर, आंसर यानी कोई भी कॉल करेगा गेम प्ले करने के वक्त, कोई भी कॉल आ रहा है सो उस वक्त आपको जो है प्रॉब्लम देखने को मिला है, जैसे कि फोन को रिसीव करना होता है, कट करना होता है, बैक आना होता है, स्पीकर मिटाना होता है, ये सारा काम आपको करना होता है। गेम प्ले करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का फेस आपको करना होता है। सो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपको देखने को मिलेगा आंसर कॉल ऑन स्पीकर, इसे आपको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी कोई भी कॉल आएगा ऑटोमेटिकली आंसर देगा। ओके, एंड स्पीकर पे वो जो है आ जाएगा, आपको स्पीकर पे जो है फोन को नहीं लाना है, ये ऑप्शन ऑन कर देना है। आंसर खुद से यहाँ पे दे देगा फोन, एंड वो जो है स्पीकर पे कर देगा। सो ये सेटिंग आपको जरूर ऑन करना है। नीचे की ओर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन स्टाइल, यहाँ पे देख सकते हैं, बस इस पे आना है, क्लिक लेना है। नीचे की ओर आपको यहाँ पे देख सकते हैं रिव्यू ऑप्शन आपको दिखाने को मिल रहा है। गेम प्ले करते हैं तो वहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर की ओर इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऊपर पे टिक लगा हुआ है। इसलिए अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट नोटिफिकेशन, इस पे आप क्लिक करोगे तो जो भी नोटिफिकेशन करेगा सिर्फ नोटिफिकेशन ही आपको शो करेगा, उसके साथ एक पॉपअप जो आता है वो आपको शो अप नहीं करेगा। इससे भी काफी ज्यादा आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रहा है। सो इसे भी टेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आप रख सकते हैं अगर आप जो है कोई भी नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो इसके लिए ब्लॉक पे आना है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपके डिस्प्ले पे शो अप नहीं होगा, ना ही आपको कोई भी डिस्टर्ब करेगा। ओके, बार बार नोटिफिकेशन करके। सो ये आपको जरूर सेलेक्ट कर लेना है अगर आप गेम बार बार आप प्ले करते हैं एंड प्रॉब्लम आपको देखने को मिला है तो। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे देखने को मिला ब्राइटनेस लॉक, इस पे क्या करना है, इसे ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि आप जो है देखे होंगे कि कोई भी फोन पे अगर आप गेम प्ले करते हैं तो उसका ब्राइटनेस जो है कम हो रहा है, हाई हो रहा है, इस तरह से आपको जो है प्रॉब्लम देखने को मिला है। अगर आप इस चीज को ऑन कर देते हैं, जो भी ब्राइटनेस
फर्स्ट में रखोगे उसी पे लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस लो नहीं होगा। ओके, काफी सारे जो है फोन में ऐसे होता है कि गेम प्ले करते हैं जब ज्यादा लाइट में रहता है तो लाइट सही रहता है डिस्प्ले का, जैसे ही वो लाइट से जो है डार्क में जाता है तो डिस्प्ले का लाइट इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। सो आपको ये इसे लॉक कर देना है। इससे क्या होगा कि आप जो है डे में खेलो या फिर नाइट में खेलो डिस्प्ले का लाइट हमेशा एक जैसा ही रहेगा गेम प्ले करने वक्त। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा स्मार्ट नेटवर्क स्विचिंग, इसे आपको ऑन कर देना है। ये क्या होता है कि आप जो है देखे होंगे काफी लोग जो मुझे भी मैसेज कर रहे हैं कि उसका नेटवर्क जो है प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिला है इस फोन पे गेम प्ले करने के वो। सो गाइस आपको क्या करना है, जो जो मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हूँ उससे आपको जरूर वॉच करना है, सब वीडियो में अलग अलग सेटिंग के बारे में बताते रहता हूँ। सो यहाँ पे क्या करना है, स्विच नेटवर्क स्विचिंग, इस पे आपको जो है स्मार्ट नेटवर्क स्विचिंग इसे आपको ऑन कर देना है, इस तरह से टिक लगा देना है। इससे क्या होगा, जब भी आपका डिवाइस का नेटवर्क हल्का सा इधर उधर होने लगेगा ये नेटवर्क को हमेशा के लिए स्टेबल कर देगा, यानी उस वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है नेटवर्क से रिलेटेड देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कभी होता है कि किसी एरिया में नेटवर्क ज्यादा हो जाता है तो सही रहता है, किसी साइड में चले जाते हो नेटवर्क जो है कम हो जाता है, सो गेम जो है बफरिंग करना करते रहता है, स्लो हो जाता है। सो आपको इसे ऑन जरूर करना है। इससे क्या होगा, नेटवर्क जो है पूरा स्टेबल रहेगा, नेटवर्क से इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो भी वहां पे प्रॉब्लम आएगा ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा डिवाइस। ओके, सो आपको ये फीचर्स को ऑन जरूर करना है। सो गाइस ये जो सारा सेटिंग बताया यहाँ पे जो है ऑटो रेजोल्यूशन, इसे आपको इसी तरह से रखना है। सो गाइस यहाँ पे जो जो आपको यहाँ पे सेटिंग बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, अगर आप जो है गेम प्ले करते हैं और नेटवर्क का इशू आ रहा है या फिर मैसेज का आ रहा है कॉल का आ रहा है, सो ये सारा इशू को फिक्स कर सकते हैं यही एप्लीकेशन से। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना, इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक के लिए चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ।